नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं शेयर मार्केट लाइव। अगले हफ्ते आने वाले तीन बड़े आईपीओ चार दिन में 21, 22, 23 और 24 सितंबर के दिन। और जिस तरीके से यहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स की अब मुसीबत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक साथ तीन बड़े आईपीओ में उनको पैसे लगाने पड़ेंगे। और साथ ही साथ यहां पे खुशी इस बात की है कि तीनों एक अच्छे आईपीओ हैं और तीनों में वो पैसे लगाने चाहते हैं, लेकिन मुश्किल ये हो गई है कि तीनों के तीनों जो आईपीओ एक ही समय पर आ रहे हैं। तो इस कारण से जो फंड की प्रॉब्लम है आम रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पे थोड़ी होती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि जिसके पास पैसे हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनके पास एक लिमिटेड पैसे हैं तो यहाँ पे उनके लिए दोस्तों ये वीडियो है कि किस आईपीओ में पैसे लगाएं और किस आईपीओ को यहाँ पे छोड़ सकते हैं हम, इसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से ये आईपीओ एक साथ चार दिन के अंतर्गत लगातार आ रहे हैं, अगर ये आईपीओ अलग अलग समय में आते तो आदमी एक आईपीओ में पैसे लगाता है, उसका एक्चुअल में यहाँ पे पैसा ब्लॉक हो जाता है। जब कभी भी आप आईपीओ में पैसे लगाते हैं, आपके पैसे कुछ दिनों के लिए ब्लॉक हो जाते हैं जब तक आपको अलॉटमेंट की कंफर्मेशन नहीं आती। अगर अलॉटमेंट की कंफर्मेशन आ गई तब पैसे डेबिट होंगे, अदरवाइज वो रिलीज हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक साथ आपको आईपीओ में पैसे लगाने, इस कंडीशन में अलग अलग पैसे आपको तीनों आईपीओ में लगाने पड़ेंगे। और अगर आपके अलग अलग ही आईपीओ आते हैं तो आपके पास तीन बार फंड रिलीज हो जाते हैं और तीनों बार आप अलग अलग तरीके से सब्सक्रिप्शन लगा सकते हैं। जिस तरीके से सभी को पता है कि एक साथ बड़ी एप्लीकेशन लगाने के बावजूद भी अलॉटमेंट आपको एक लॉट से ज्यादा तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि जो आईपीओ है वो ओवर सब्सक्राइब होने वाले हैं और बहुत से लोग यहाँ पे आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली सभी लोग एक एक लॉट लगाते हैं। अब उन्होंने ये क्या तरीका अपनाया है कि घर के फैमिली मेंबर्स के नाम पे नए नए अकाउंट खोल के अलग अलग पैन नंबर से घर के अलग अलग व्यक्तियों के नाम पे पैसे लगाए जाते हैं। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर तीन आईपीओ हो तो आपको जहां पे चार एप्लीकेशन लगाने थे वहां पे आपको 12 एप्लीकेशन लगाने। तो डेफिनेटली उस आदमी के पास डिपेंड करता है कि 12 एप्लीकेशन में लगाने के लिए उतने पैसे हैं या नहीं है। तो इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं इन सारी वीडियो पे। अब आप दो केस समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए मेरे पास 45,000 रुपए हैं और आईपीओ आ गए एक साथ तीन। अब मेरे को तीनों आईपीओ में पैसे लगाने हैं तो मैं क्या करूंगा, तीनों में 15,000 रुपए की एप्लीकेशन लगाऊंगा और मेरे 45,000 रुपए वहां पे ब्लॉक हो जाएंगे। तीनों में एक एक एप्लीकेशन लगाऊंगा, मेरे अलॉटमेंट के जो चांसेस है वो एकदम लेस रहेंगे क्योंकि मैंने एक एक एप्लीकेशन लगाए लेकिन मैंने पैसे लगाए हैं 45,000 रुपए। लेकिन मान लेता हूं कि केस नंबर टू की अगर एक आईपीओ एक टाइम पे आता है, मेरे पास 45,000 रुपए है, तो मैं अपने नाम पे भी एक एप्लीकेशन लगाऊंगा और अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे भी दो अलग अलग एप्लीकेशन लगा दूंगा। टोटल तीन एप्लीकेशन में वहां पे लगाऊंगा, तो एक आईपीओ में मैं तीन एप्लीकेशन लगाऊंगा तो मेरे अलॉटमेंट के चांसेस वहां पे लगभग तीन गुना बढ़ जाएंगे। यहां पे मतलब तीनों में एक एक एप्लीकेशन लगाया और वहां पे एक में तीन एप्लीकेशन लगाया, तो ये प्रॉब्लम यहां पे सबके साथ होने वाली है। तो दोस्तों यहां पे आपको प्रिफर करना होगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सा आईपीओ ज्यादा बेहतर है और किस आईपीओ में आपको पैसा लगाना चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों अगर आपको तीनों आईपीओ में पैसे लगाने के पैसे हैं तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि आप तीनों आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं, अलग अलग मेंबर्स के नाम से लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ पैसे एक लॉट के हैं और आप लगाना चाहते हैं सिर्फ किसी एक आईपीओ में, तो दोस्तों यहां पे आपको लगेगा कि रिटर्न किसमें ज्यादा आएगा और रिटर्न किसमें कम आएगा, लेकिन अलॉटमेंट के चांसेस भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अलॉटमेंट के चांसेस के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं तो कैंप्स का जो आईपीओ है वो ज्यादा बेटर होगा आपके अलॉटमेंट के लिए, क्योंकि दोस्तों वहां का जो इशू साइज है वो 2200 करोड़ से ज्यादा का है। और उस कंडीशन में अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए पैसे हैं तो आप कैंप्स के आईपीओ में डेफिनेटली पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में कुछ भी हो आपको एटलीस्ट अलॉटमेंट के जो चांसेस होंगे इन दो आईपीओ के मुकाबले ज्यादा होंगे, क्योंकि एंजल ब्रोकिंग का जो आईपीओ है वो ऑलमोस्ट 600 करोड़ का है, 35% रिटेल एलोकेशन वहां पे भी है। साथ ही साथ जिस तरीके से कैमकॉन केमिकल का आईपीओ वो 300 करोड़ से ऊपर का है और वहां पे जो रिटेल पोर्शन का जो हिस्सा है वो मात्र 110 करोड़ का है, तो डेफिनेटली वहां पे लिस्टिंग गेन के जो चांसेस है सबसे ज्यादा है, लेकिन अलॉटमेंट के जो चांसेस होंगे वो सबसे कम होंगे। जिस तरीके से हैप्पीएस्ट माइंड्स में आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ 10% हिस्सा रखा गया था 70 करोड़ का, तो लिस्टिंग तो जो हुई वो बहुत ही ब्लॉकबस्टर होती हुई दिखाई दी, 150-100% से ऊपर की लिस्टिंग देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे अलॉटमेंट कितने को मिला, बहुत ही कम, 45-46 हजार जो एप्लीकेशन थी वो उन्हीं को मिला। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एप्लीकेशन साइज है आपकी वो कैंप्स के आईपीओ में बेटर होगी, हालांकि वहां पे लिस्टिंग के जो गेन के चांसेस जो ग्रे मार्केट के प्रीमियम के हिसाब से दिखाए जा रहे हैं वो उसकी प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर माने तो 30-40%
का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। लेकिन केमकॉन केमिकल और बाकी एंजल ब्रोकिंग की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे उससे थोड़ा ज्यादा लिस्टिंग गेन हो सकता है। एंजल ब्रोकिंग यहाँ पे फाइनेंशियल वर्ल्ड से रिलेटेड है, यहाँ पे खासकर ब्रोकिंग इंडस्ट्री से इसका आईपीओ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी इसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स तो इसको भी मिलेगा। ओवर सब्सक्राइब सारी की सारे जो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होंगे, लेकिन तीनों आईपीओ एक साथ क्लैश हो रहे हैं, इस कारण से हो सकता है आपको वैसे 150 गुना सब्सक्राइब हुआ, 250 गुना सब्सक्राइब हुआ, इस तरीके के जो नंबर वो आपको शायद देखने ना मिले। 40 से 50 गुना तक सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली यहाँ मिल सकता है। रिटेल का जो पार्टिसिपेशन होगा वो तो तीनों ही सेक्शन में आएगा, QIBs और NIIs के लिए बात यहाँ पे नहीं है क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं होती, वो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन भर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम है यहाँ मेन और मेन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होते हुए दिखाई दे रही है। तो अगर आप भी एक रिटेल इन्वेस्टर हैं और लगाना चाहते हैं तीनों आईपीओ में पैसे, तो अलग अलग करके लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई एक बेस्ट आईपीओ आपके लिए हो जिसमें आपके पैसे लगे और आपको वहां पे अलॉटमेंट भी मिले, तो दोस्तों वो हो सकता है कैम्प्स का आईपीओ। ये मेरी पर्सनल राय, आपकी पर्सनल राय कुछ भी हो सकती है, आप जिसमें चाहे पैसा लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई वैसी गाइडेंस या कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आपको उसी के आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट के जो चांसेस है वो ज्यादा अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर बात करें तो 21 सितंबर के दिन रूट मोबाइल की भी लिस्टिंग होने वाली है, और जो उम्मीद जताई जा रही है कि वहां पे भी एक अच्छी खासी ओपनिंग हो सकती है। लगभग 70-80% जो गेन है उस दिन वहां पे मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो मैक्सिमम जिन लोगों को वहां पे अलॉटमेंट हाथ में लगी है तो डेफिनेटली वहां पे 70-80% गेन उनको मिलता हुआ दिखाई देगा, यानी कि उनकी एक तो 15,000 की जो वैल्यू है वो भी वापस आएगी और उसके ऊपर उनको कुछ प्रॉफिट भी आता हुआ दिखाई देगा। तो वो अगर पैसे विड्रॉ होते हैं तो उसके बदले ऑलमोस्ट कुछ 2-4 हज़ार रुपये मिला के दो एप्लीकेशन के पैसे उनके तैयार हो जाएंगे, जिनके हैप्पीएस्ट माइंड में लक्की जो अलॉटमेंट लगी है। तो दोस्तों उस कंडीशन में अगर आपके पैसे वहां डबल हो गए तो वहां से भी आपको 2 लॉट के पैसे मिलेंगे, लेकिन वहां पे बहुत ही कम रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसा मिला। ऐसे तो रिटेल इन्वेस्टर्स लाखों की संख्या में हैं और मैक्सिमम अभी सारे के सारे जो लोग हैं वो समझदार हो चुके हैं और वो यहाँ पे एक ही साथ पूरे पैसे लगाने की बजाय वो सारे पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग अकाउंट में लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक साथ पूरे पैसे एक साथ लगा दूं तो अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो दोस्तों ये चीज गलत है। क्योंकि बहुत से लोगों ने मेरे से सवाल में पूछा भी था कमेंट सेक्शन में कि अगर मैं 10-15 लॉट एक साथ लगा दूंगा तो क्या मेरे अलॉटमेंट चांसेस होंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको मिलेंगे तो एक ही लॉट, वो भी किस्मत से अगर आपके अलॉटमेंट में आ गई तो। यहाँ पे आप कितने भी लॉट लगा ले तो उससे अच्छा है कि अगर आप 10 लॉट का पैसा लगा रहे हो तो 10 लॉट 10 लोगों के अकाउंट में अलग अलग एक एक करके लगाओ, तो हो सकता है कि किसी एक या दो अकाउंट में आपको मिल जाए। क्योंकि जिस तरीके से हैप्पीएस्ट माइंड का रेशियो निकल के आया था, 47:1 का रेशियो था, यानी कि 47 लोग अगर यहाँ पे भर रहे हैं तो सिर्फ एक आदमी को ही यहां पे अलॉटमेंट मिलेगा। तो आप अगर 47 एप्लीकेशन लगा रहे हो तो हो सकता है आपको एक में मिले। तो दोस्तों इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यहां पे होती हुई दिखाई देती है, तो लकी होना भी यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये बेहतरीन होगा कि यहां पे कुछ सब्सक्रिप्शन जो है वो डेफिनेटली अच्छा खासा आएगा और उस कंडीशन में आप लोगों को यहां पे जिस तरीके से पैसे लगाने, एक साथ पूरे पैसे पंप मत कीजिए, क्योंकि यहां पे पैसे की आपके पास अगर कमी है तो फिर आपको अलॉटमेंट भी नहीं मिलेगी, पैसे भी ब्लॉक हो एक हफ्ते के लिए, नेक्स्ट आईपीओ जो भी आएंगे उसके लिए भी आपको फिर पैसे प्रॉब्लम में पड़ते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे हर एक फैमिली मेंबर के नाम से अलग अलग अकाउंट में पैसे लगाएंगे तो डेफिनेटली फिर आपको जो है फायदा होता हुआ दिखाई देगा, अलॉटमेंट भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।